क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, सो सबसे पहले हमें इसे किस फॉर्म में लेके आना है, हमें इसे x प्लस आयोटा इंटू वाई के फॉर्म में लेके आना। ठीक है, सो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 3 माइनस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा, इसमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है अपने पास 3, सो 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में है 1 प्लस आयोटा, सो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन। सो माइनस फोर, माइनस वन इंटू माइनस फोर कितना हो जाएगा, प्लस फोर। सो नाइन प्लस फोर कितना हो जाएगा अपने पास, 9 प्लस 4 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 13 इंटू 1 प्लस आयोटा, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 13 प्लस 13 आयोटा। क्लियर, सो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 13, एंड वाई इक्वल टू ऑल्सो 13। नाउ अगर हम इसका मॉडुलस निकालें, ठीक है, मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस कितना होगा, 13 प्लस 13 आयोटा का मॉडुलस। ठीक है, ये मॉडुलस का साइन लगाया, जो कि इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या है, 13, एंड y की भी क्या है, 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर, जो कि अपने पास आएगा 2, ये आएगा अपने पास 13 को 2 यूनिट। ठीक है, मॉडुलस निकाल लिया हमने, कंजुगेट भी निकालना है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली जो y को होता है वो माइनस वाई से रिप्लेस कर देते हैं। कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो x रहा, y क्या है, इधर 13 है, तो माइनस वाई क्या होगा, माइनस 13। सो दिस इज आर कॉन्जुगेट। ठीक है,